लगता है काम हो गया, काम हो गया। मर गए दोनों? वो दोनों बच गए, कुछ लोग उसकी मदद के लिए आ गए थे। बच गए? मेरी बहुत ध्यान से सुनो। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से आलिया जो है आसमा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। आलिया का प्लान क्योंकि आसमा ने फेल जो करा दिया। आलिया अपने बच्चे को किसी और को गोद दिलवाना चाहती थी, लेकिन आसमा ने वही बच्चा गोद दे दिया अरमान के घर वालों। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा जब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। किस काम के हो तुम लोग? हाँ खोते कहेंगे, एक छोटा सा काम नहीं हो पाया तुमसे, एक प्रेग्नेंट लेडी का पीछा नहीं कर सके। अब मुझे कुछ करना होगा। अब ऐसे में आलिया जो है बहुत ज्यादा आसमा से नाराज है। इतनी नाराज है कि उसने आसमा की सुपारी गुंडों को दे दी है। अब भाई गुंडों को पैसे मिले हैं तो वो तो आसमा के पीछे हाथ धो के पड़ेंगे ही। तो ऐसे में गुंडे जो है आसमा का पीछा कर रहे हैं और दूसरी ओर आसमा अपनी और जैद को बचाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अचानक से अरमान की भी टक्कर होती होती बचती है बस से, जिस बस को चला रही होती है आसमा खुद। यहाँ पर अरमान देख लेता है ये तो मेरी आसमा है। दूसरी तरफ अरमान ये भी देख लेता है कि गुंडे आसमा का पीछा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है? लेकिन अरमान को ये रियलाइज जरूर हो जाता है नशे में भी कि आसमा की जान खतरे में है। अब ऐसे में अरमान जरूर कुछ करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्या तब तक बहुत देर हो जाएगी? क्योंकि जो गुंडे हैं आसमा को बस से उतार कर गोली चला रहे हैं। क्या आसमा को बचा पाएगा अरमान, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ आलिया अपनी चाल में कामयाब हो भी पाएगी, क्या गुंडे अपना काम पूरा कर भी पाएंगे, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।